हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है लॉजिक गेट। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रुथ टेबल क्या है, तो आप लोग एक बार ट्रुथ टेबल को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, क्योंकि जब तक आप ट्रुथ टेबल नहीं पता होगा आपको लॉजिक गेट्स समझ में नहीं आएगा। तो लॉजिक गेट्स पहले जानते हैं क्या। लॉजिक गेट्स एक ऐसे एक तरह का सर्किट है जिसमें हम लोग वेरियस इनपुट सिग्नल देके आउटपुट सिग्नल्स लेते हैं, एक तरह का कंप्यूटर सर्किट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन मेन गेट मैंने लिखे हैं, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। ये तीन मेन गेट होते हैं, इसके अलावा नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट भी, इसके अलावा बहुत सारे गेट्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है इन्हीं गेट्स का। तो और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो आइए पहले जानते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट क्या है? एंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी जैसे सिंबल से, ऐसे सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एंड का आप यूज तब करते हैं जो आप दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं। आप एंड वर्ड तभी यूज करेंगे जब दो स्टेटमेंट को आपस में आप जोड़ेंगे। तो अगर हम आप बात कर रहे हैं जोड़ने की, सपोज राम स्कूल जाता है और राम मंदिर जाता है, इन दो अलग अलग सेंटेंस को जो हमें जोड़ना होगा तो क्या बनाएंगे? राम स्कूल व मंदिर जाता है, राम स्कूल और मंदिर जाता है। इसका मतलब हमने क्या यूज किया? दोनों सेंटेंस को एक कंबाइंड सेंटेंस बनाया और सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ट्रू हुआ। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू होने चाहिए, तभी आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स क्योंकि मैंने कल बताया था ये वैल्यू कैसे आई, 0110 और ये 0001, ये कैसे आई? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जो आपको मैंने ट्रुथ टेबल बताया था, बताया था कि जीरो कैसे आएगा या वन कैसे आएगा। अगर दो लॉजिक है तो 2021 0101, अगर वन लॉजिक है तो 011। तो यहाँ पर दो लॉजिक होंगे, एंड और एंड गेट क्या करेगा? दो लॉजिक्स को कंबाइन करेगा और एक ट्रू गेट बनाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तभी वैल्यू क्या होगा? ट्रू। इसका मतलब राम स्कूल और मंदिर दोनों जाना चाहिए। अगर इसके अलावा एक गेट नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स बनेगा। दोनों फॉल्स तो फॉल्स है, सपोज ए कंडीशन तो सही है लेकिन बी क्या है? फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा, क्योंकि ए कंडीशन आपकी फॉल्स, बी ट्रू, रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। मतलब एंड गेट में जब तक दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होंगी तब तक आपका रिजल्ट होगा ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं और गेट में। और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, तीन इनपुट भी हो सकते हैं, कल बताया था तीन लॉजिक कैसे लिखते हैं। इसमें क्या है? दोनों में से अगर कोई एक लॉजिक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू आ जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एडिशन बोलते हैं। क्यों? जीरो जीरो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, जीरो वन तो क्या हो गया? वन। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो आपकी ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये कौन सा गेट कहलाता है? आपका और गेट कहलाता है। और तीसरे जो गेट की तरफ बढ़ते हैं वो है नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इनवर्स गेट भी कहते हैं, या कहते हैं कि जो उल्टा काम करे। उल्टा का मतलब अगर वैल्यू जीरो है तो वन होगा और वन है तो जीरो होगा, इसको इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और इसमें हमेशा कितने इनपुट हो सकते हैं? एक ही इनपुट हो सकता है, जबकि एंड गेट और गेट में आप दो या दो से अधिक इनपुट आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके एंड और नॉट गेट। इसके अलावा बहुत सारे गेट्स हैं, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर इन गेट्स में आप रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और या मुझे आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।